किसान भाइयों, विश्वकर्मा दलबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हुआ हूं अमन एग्रो इंडस्ट्रीज बड़नगर मध्य प्रदेश में, और आज हम किसान भाइयों आपके लिए लेकर आए हैं अमन के थ्रेशर, और इन थ्रेशरों के बारे में जानकारी देंगे हमारे सर हैं, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमन एग्रो इंडस्ट्रीज से शुभम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमन का साइड बकेट मॉडल। इस थ्रेशर की विशेषता ये है सर, हाँ जी सर, कि इस थ्रेशर में फ्रंट टू बैक टोटल 7 बेयरिंग लगे हैं। ठीक है सर। यहाँ से लेके लास्ट तक टोटल 7 बेयरिंग, उसकी वजह से इस मशीन में वाइब्रेशन एकदम जीरो है। आप पानी का ग्लास भी रखेंगे, 20 की रेस पे भी इसे घुमाएंगे तो वाइब्रेशन नहीं है, जिस वजह से हमारी थ्रेशर की लाइफ बहुत लॉन्ग है। काफ़ी लंबे समय तक हमारी थ्रेशर उस वजह से चलती है। और सर, इसके बारे में और जानकारी दीजिए हमें, इसके टोकरी के बारे में, जो साइड टोकरी आपका बहुत ही फेमस है, इसके बारे में बताइए किसान, इसमें क्या खास है ऐसा? एक्चुअली साइड फीडिंग सिस्टम जो हमारा है, हम साइड फीडिंग सिस्टम में आज से 15 साल से वर्किंग में हैं। दिस इज़ पेडी मल्टी क्रॉप मॉडल। इसमें हम लास्ट 4 ईयर से वर्किंग कर रहे हैं, 4 सालों से हम इसमें वर्किंग कर रहे हैं। 5 फैन मॉडल हमने ये बनाया है, पेडी मल्टी क्रॉप है, गीले माल के लिए बहुत ही कारगर मशीन है ये, और सूखे में तो ज़बरदस्त। गीले माल में बेहतरीन आउटपुट अगर आपको चाहिए, लोड फ्री ट्रैक्टर, डीजल एवरेज, सारा कुछ आपको इस मशीन में देखने को मिलेगा। ठीक है। और सर, इसमें ये मैं देख रहा हूँ, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 फैन लगा दी सर इसमें, इनका क्या काम रहता है? 5 फैन की वजह से आपको आउटपुट जो है एकदम क्लीन मिलेगा। आप सीधे उसे मंडी ले जाइए, आपको ग्रेडिंग करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। फिर भी हमने उसके लिए एक ग्रेडिंग सिस्टम वहाँ दिया है, जिससे लास्ट का जो वेस्ट है आप वहाँ डाल सकते हैं, और कुछ परसेंट जो कंकड़ पत्थर रहते हैं उसको यहाँ से आप ग्रेडिंग कर सकते हैं। सही है सर। सर, ये क्या दिया गया है, इसमें इसका क्या जरूरत पड़ती है? ये प्लेटफॉर्म हमने इसलिए दिया है किसान भाइयों को, कभी ड्रम जाली चेंज करने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है यहाँ से, तो उसके लिए उन्हें स्टूल या कुछ दूसरी चीज़ पे चढ़ना पड़ता है, उसके लिए हमने इसको यहाँ पे स्टैंड दे दिया है। टायर आप देखेंगे इसमें 8, 25, 16 के काफ़ी हेवी टायर, रिम कड़े वाले आपको देखने को मिलेंगे 8 बोल्ट पे। इसके अलावा एक्सेल भी जो है पूरा 65 mm मोटा है इसका। सर, पीछे में एलिवेटर देख रहा था आपका, ये एलिवेटर मैंने कहीं कैसे कभी नहीं देखा जैसे वो आपने बनाया हुआ है, ये इसके बारे में जानकारी दी सर, इसका क्या बेनिफिट रहता है इसका? एलिवेटर लेबर बचाने के लिए हमने इसको दिया है। इस एलिवेटर की विशेषता ये है, इसकी हाइट आप देख रहे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस अभी इसकी लगभग 10 inches है। सही है। इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं 8 inches और, इसको 8 inch और ऊँचा कर सकते हैं उबड़ खाबड़ रास्तों के लिए। और एलिवेटर किसान भाइयों को लेबर बचाने के लिए लगाते हैं, इसके साथ ही फीडिंग सिस्टम भी हमने साइड फीडिंग इसीलिए कराया, 2 लेबर उधर बचती है, 2 लेबर इधर बचती है। सही है सर। टोटली 4 लेबर का किसान भाइयों को फायदा है। ठीक है सर। और इससे सर ये फैन दिए गए हैं, इनका क्या काम रहता है? इसमें जो काठली होती है, गांठे होती है जो, वो इस फैन से निकलेगी, भूसा आपका इस फैन से आएगा किसान भाइयों का जो फसल का है, और जो गीली फसल जब हम निकालेंगे तो हम इस फैन को ओपन कर देते हैं, यहाँ से गीली फसल का जितना भी वेस्ट है वो यहाँ से जाएगा, और पेरा है मान लो, पेडी है, तो पेरा भी इसका 50 feet दूर जाएगा। इसके साथ ही इसको हमने फैन में डबल स्पीड दिया है यहाँ पर, जिससे आप पंखे की हवा बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। फ्लाईव्हील आप देखेंगे, दोनों फ्लाईव्हील 100 kg अबोव है, इस वजह से लोड फ्री ट्रैक्टर चलेगा आपका, ट्रैक्टर पे कोई लोड नहीं पड़ेगा, और डीजल भी सेव किए करेगा आपका ये। और सर, ये यहाँ पे क्या दिया गया है इसमें, ये क्या चीज़ है? ये सिस्टम एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री जानी जाती है मेनली सोयाबीन गेहूँ इस क्रॉप के लिए, तो हमारे यहाँ किसान भाइयों को पशु के लिए जो है भूसे की आवश्यकता होती है, भूसे की सेटिंग के लिए 2 लीवर हमने यहाँ पर दिए हैं, इन लीवरों से आप चाहे जितना बारीक और बड़ा भूसा कर सकते हैं। टूल बॉक्स भी हमने यहाँ पर दिया है, चलरा को आसानी से, चलना जाली को आसानी से सेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से इसको केवल एक नट खोलना है और पूरी चलना जाली आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं। सही है सर। सर, मैं आगे देख रहा था इसमें आपने मच्छी चदर का प्रयोग किया हुआ है, आपने इसका ही क्यों इस्तेमाल किया है इसमें? पूरी थ्रेशर में आप देखेंगे फ्रंट टू टॉप बैक पूरा हमने मच्छी चदर इसलिए लगाया है, इसकी सर्विस अच्छी रहती है। इसमें हम मेज भी निकालते हैं, दूसरी अदर गीली क्रॉप और भारी क्रॉप भी हम इसमें निकालते हैं, तो उससे टूट फूट की संभावनाएं कम हो जाती है, इससे किसान भाइयों का नुकसान होने से बचता है। सही सर।
इसके अलावा भी हमने ये क्रेन सिस्टम यहाँ पर दिया है, जिससे इजीली किसान भाई टोकरी को पूरा फोल्ड कर सकते हैं। और हमारी टोकरी की खासियत ये है, पूरा ड्रम से चिपक जाती है। साथ ही हमारा एक्सेल उस साइड टोकरी के बाहर तक है, जिससे मशीन के पलटी खाने का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। सही सर। और सर इसे और सर मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, इस थ्रेशर को कितने एस्पोरेटर जो चला सकता है इसको? इसके लिए हम किसान भाइयों को प्रेफर करते हैं 40 HP एंड अबव ट्रैक्टर। 40 HP एंड अबव ट्रैक्टर से ये बहुत लोड फ्री चलेगा। और सर कुछ किसान भाई सब्सिडी के बारे में सवाल पूछते हैं, क्या अमन के जो सब्सिडी के बारे में प्रूफ है सर? बिल्कुल, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी के जो है मेथड रहते हैं। तकरीबन 10 राज्यों में हमारे सब्सिडी के लिए अप्रूवल्स हैं, DBT में रजिस्टर्ड है हम लोग। लगभग 15 तरीके हम लोग के पास टेस्ट रिपोर्ट है अलग अलग प्रोडक्ट्स की। तो सब्सिडी के लिए बिल्कुल हर स्टेट में सब्सिडी के लिए अप्रूवल है। और सर जो आज हम मॉडल लेकर आए थे जी, कौन सा मॉडल है और किसान भाई कौन कौन से मॉडल ले सकते हैं इनके जैसे? ये साइड टोकरी मॉडल है। इसके अलावा हम लोग के पास इससे छोटे मॉडल्स भी हैं इसी पैटर्न में। इसके अलावा मेज में भी काफ़ी मॉडल्स हैं। और टोटल जितने भी मॉडल्स हैं, हम लोग हमारी इंडस्ट्री हेवी मॉडल्स के लिए जानी जाती है। टोटल लोहा हम जो लगाते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी हेवी लगाते हैं। इसमें भी आप चैनल देखेंगे तो 6-3 का हेवी चैनल है। पूरा थ्रेशर इंडस्ट्री आज 5-2.5 का चैनल लगा रहा है, हम 6-3 का चैनल लगा रहे हैं। सही है सर, मतलब पूरे थ्रेशर इंडस्ट्री में आज 5-2.5 का चैनल है। सर किसान भाई ने अगर RPM कम ज़्यादा करने हो तो कैसे कर सकता है? उसी के लिए हमने किसान भाइयों को आसान करने के लिए सिस्टम, हमने यहाँ पे 2-part पुली दी है। ऊपर भी 2-part है, नीचे भी 2-part है। अगर मान लो 1000 RPM पे ट्रैक्टर चलाना है तो ऊपर की पुली को आप नीचे सेट करके, नीचे की पुली को ऊपर सेट करके आप इजीली उससे वर्क ले सकते हैं लोड फ्री। सही है सर।